हम अकेले पता क्यों रहते हैं? क्योंकि हम झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं रखते जनाब। हेलो गाइज, अगर स्टेटस पसंद आया और आप भी इस तरीके का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको 5 फोटो की जरूरत पड़ने वाली है और बाकी जो भी मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ओपन करना है कैनमास्टर एप्लीकेशन। जब आप इसे ओपन करेंगे तब यहां से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद स्टेटस रेशियो 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना होगा, आपको मीडिया पर क्लिक करना होगा और एक बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा जिसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, हमारी वीडियो आ चुकी है। अब उसके बाद दोस्तों यहां से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, एडिटिंग में आना है और यहां से आपको कुछ सेटिंग कर लेनी है। दोस्तों यहां से मैं कर लेता हूं, 1.0 से भी कम दोस्तों आपको रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, इससे भी कम हो आपके अगर कैन मास्टर में तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फुल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है, मीडिया पे क्लिक करना है, 5 फोटो को अपने सिलेक्ट कर लेना है जिनसे आप अपने स्टेटस को बनाना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ फोटो को, दोस्तों आपको भी कर लेना होगा, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आपको कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेने होंगे। तो गाइज यहाँ से मैंने कुछ फोटो सिलेक्ट कर लिए, आपको भी इस तरीके से फोटो सिलेक्ट कर लेने होंगे। उसके बाद फोटो को सिलेक्ट करने के बाद सारे फोटो में दोस्तों विजिबिलिटी को आपको इनेबल कर देना होगा इस तरीके से कुछ। उसके बाद दोस्तों फोटो के जिस फोटो के कलर्स अच्छे नहीं है उसके आपको कलर्स अच्छे कर लेने, तो उसके लिए आपको कलर्स एडजस्टमेंट में जाने के बाद इस तरीके से कलर्स को अच्छे कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ से कर दिए। तो आपको भी इस तरीके से फ़ोटो के कलर्स को बहुत अच्छा कर लेना है जिससे आपकी वीडियो एकदम प्रोफेशनल लगे और देखने में एकदम मस्त लगे। तो आपको ये कर लेना होगा सारे फ़ोटोज़ में जिसके भी कलर्स अच्छे नहीं हैं। तो गाइस जहाँ से मैंने कर लिए हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको आ जाना होगा बिल्कुल शुरू में, ठीक है गाइस। मैं आ जाता हूँ और यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक और वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा, म्यूज़िक वाली वीडियो को। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो से म्यूजिक को निकालने के लिए आपको हैशटैग ऑडियो पे क्लिक करना होगा। म्यूजिक निकल चुका है, इस वीडियो की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे कर देते हैं डिलीट। वीडियो हो चुकी है डिलीट। उसके बाद दोस्तों इस फोटो की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है गाइज। तो इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। अब आपको आ जाना है बिल्कुल शुरू में। अब गाइज आपको लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। अब आपको जाना होगा फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपको एक और वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो आ चुकी है, एचडी के बराबर वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको इसे फुल स्क्रीन कर देना है। वीडियो के फुल स्क्रीन होते ही दोस्तों यहाँ से हमारी वीडियो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है। इस वीडियो से आपको ब्लैक स्क्रीन को हटाने के बाद कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। येलो ट्विन कुछ आपको सिलेक्ट करना है, नीचे आना होगा, ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ से ये वीडियो पीछे से बड़ी है तो सिंपली आपको इस तरीके से ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद देख लीजिए दोस्तों हमारी वीडियो कुछ इतनी तरीके की बेहतरीन बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप भी कर सकते हैं। गाइज मैं आपको बता दूँ जिस फोटो के कलर्स दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है, कलर्स एडजस्टमेंट में जाना है और उसको थोड़ा डार्क कर देना है इस तरीके से, इससे आपकी वीडियो को ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपको ज़्यादा ब्राइट नहीं रखना है अपने फोटो के कलर्स को, ठीक है गाइज। तो इससे आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ से आपको आ जाना है बिल्कुल शुरू में। अब गाइज यहाँ से आपकी वीडियो बन चुकी है, आपकी वीडियो में म्यूजिक लग चुका है, आपको अलग से म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर दोस्तों आप कोई चेंज करके म्यूजिक लगाना चाहते हैं अपना खुद का पसंदीदा, तो उसके लिए यहाँ से आपको मीडिया ऑडियो पर क्लिक करके अपनी गैलरी से आप कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ से आपको बॉर्डर लगाने के लिए लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ से मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ। तो उसके लिए बॉर्डर पीएनजी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कैंची के बराबर वाले ऑप्शन में क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद पूरी वीडियो में कर देना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो देख लीजिए गाइस बॉर्डर लग चुका है। और जो भी दोस्तों मैं बॉर्डर का लिंक जिसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो बॉर्डर कुछ अलग है जो देखने में काफ़ी बेस्ट लगता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस एक बार मैं आपको वीडियो को चला के दिखा देता हूँ। तो गाइस इस तरीके की आप भी अपनी वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। रेजोल्यूशन 1080p और फ्रेम रेट 30 रखने के बाद वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप हम तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके स्टेटस को बना के डायरेक्ट आपको सेंड कर देंगे। बाकी दोस्तों सारे मटेरियल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।